हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दानिश अख्तर और आप लोग देख रहे हैं दानिश क्रिएशन। आज का हमारा टॉपिक है टाइम ट्रिगर और किसी भी एनिमेशन को हम लूप में कैसे बनाएंगे, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए, टाइम ट्रिगर के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम कुछ भी एक एलिमेंट्स क्रिएट कर लेते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, वेलकम टू माई चैनल। ओके, ये मैंने ले लिया। उसके बाद यहाँ मैंने एक कोई शेप बना दी। ठीक है, नाउ अगेन मैंने यहाँ पे सम टेक्स्ट लिखा, माय नेम इज दानिश एंड यू आर वाचिंग दानिश क्रिएशन। ओके, सेंटर लाइन कर दें इसको। नाउ अभी हम लोग क्या बनाना है, एनिमेशन क्या है कि सबसे पहले मेरा वेलकम टू माय चैनल टॉप से आएगा, ये वाला जो एलिमेंट है ये लेफ्ट राइट साइड से आएगा, ये वाला लेफ्ट साइड से आएगा। ठीक है, तो सबको वापस सेट करते हैं। सबसे पहले वापस जाते हैं, एक और आर्टबोर्ड कॉपी कर लेते हैं हम, और ये जो हमारा एनिमेशन था ना, ये वाला टेक्स्ट, इसको हम ऊपर मूव कर देंगे और उसकी ओपेसिटी कम कर देंगे। ये जो था इसको राइट साइड मूव कर देंगे, उसकी ओपेसिटी कम कर देंगे और इसको लेफ्ट में मूव कर देते हैं और अगेन इसकी ओपेसिटी कम कर देंगे। तो आप देखो, आपकी पहले स्क्रीन पे तीनों एलिमेंट्स हैं लेकिन वो आउट ऑफ द आर्ट बोर्ड है थोड़े से और ओपेसिटी कम है। दूसरे आर्ट बोर्ड में आपके पास सारे एलिमेंट प्लेस हैं जहाँ पर आपको एक्चुअल में रखने हैं। अब हमें इसी को ऑटो एनिमेट करना है विद टाइम। तो हम प्रोटोटाइप में जाएंगे और आर्टबोर्ड को सेलेक्ट करेंगे और इधर ड्रैग कर देंगे दूसरे आर्टबोर्ड पे। अब यहाँ पे जो ट्रिगर होगा आपका, ना टैप होगा ना ड्रैग होगा, कुछ भी नहीं होगा, यूजर को कुछ भी क्लिक नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक आएगा। तो उसके लिए हम टाइम सेलेक्ट करेंगे, टाइम डिले हमें बिल्कुल नहीं करना है, इमिडिएटली आएगा। एनिमेशन जो हमारा रहेगा वो ऑटो एनिमेट रहेगा और ईजिंग कर देते हैं, ईजिंग इज आउट फॉर नाउ, और ड्यूरेशन कर देते हैं 6 मिलीसेकंड। नाउ लेट्स प्रीव्यू सी। ओके, नाउ थोड़ा सा डिले और कर देते हैं, हल्का सा 1 सेकेंड कर देते हैं इसका एनिमेशन, लेट्स सी। ओके, परफेक्ट। थोड़ा आप डिले भी कर सकते हो उसको, लाइक 2 मिलीसेकंड। ये देखो, ठीक है। तो ये था ऑटो एनिमेट विद द टाइम ट्रिगर। तो आप टाइम के हिसाब से अपना एलिमेंट को एनिमेट करा सकते हो। अब जैसे इसके और एलिमेंट लाने में चाहिए, लाइक फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ बटन भी यहाँ पे आए, तो मैंने ये बटन बनाया एक, सबमिट। ओके, इसको भी हम यहाँ रखेंगे दोनों आर्टबोर्ड पे, और इस वाले आर्टबोर्ड पे इसकी पोजीशन नीचे कर देंगे विद ओपेसिटी कम कर देते हैं। यहाँ भी हम इसको नीचे कर देंगे और हम चाहते हैं कि टेक्स्ट हो जाए और एलिमेंट सारे आ जाए उसके बाद यह है। तो एक और आर्टबोर्ड कॉपी करेंगे और अब इसको बटन को जो है हम ऊपर लेके आएंगे। ओके, नाउ ऑलरेडी हमने 2 एनिमेट कर रखे हैं, अब इसको हमें इससे सेम सेटिंग पे एनिमेट करना है। एवरीथिंग सेम, नाउ लेट्स प्रीव्यू सी। परफेक्ट। तो आप इस तरह टाइम टेकर का यूज़ करके आप अच्छे अच्छे एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लूपिंग एनिमेशन। मेरे पास एक आईफोन आइकन है, इसको कॉपी कर लेता हूँ उसे मैं। ओके, ठीक है। मेरे पास सिंपल एक ऑब्जेक्ट है, उसमें एक आइकन है। अब इसी आर्टबोर्ड को कॉपी करेंगे हम और जो आइकन था इसको छोटा छोटा कर देंगे। ओके, नाउ एक आर्टबोर्ड पे आपके पास आइकन बड़े साइज में, एक आर्टबोर्ड में आपका आइकन छोटे साइज में। अब इसको मुझे लूप में एनिमेट करना है कि वो छोटा बड़ा होता रहे, वो एनिमेट होता रहे, वो छोटा बड़ा लाइक दिस। ओके, तो प्रोटोटाइप में जाएंगे
अगेन फर्स्ट आर्टबोर्ड को सेलेक्ट करेंगे, सेकंड पर ड्रैग करेंगे, ट्रिगर सेम टाइम रहेगा, डिले जीरो कर देते हैं, ऑटो एनिमेट रहेगा, ईजिंग इज आउट, उसको सेस कर देते हैं। लेट्स सी, परफेक्ट। नाउ रिपीट द सेम स्टेप फॉर दिस आर्टबोर्ड, ड्रैग एंड अप्लाई सेम सेटिंग। नाउ लेट्स सी, सी नाउ ये कंटिन्यू चलता रहेगा, ये लूप में चलता रहेगा। अब ओके, नाउ लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। सेम डिस्टेंस पे इसको ऊपर कॉपी कर देंगे, सेम डिस्टेंस पे है, सेम डिस्टेंस पे बिल्कुल है, एंड सेम डिस्टेंस। ओके परफेक्ट। नाउ चेंज द कलर, सबके अलग अलग कलर कर दो। ओके, सबको सेलेक्ट करके ग्रुप कर लो, डायमंड सेट कर देते हैं। ओके परफेक्ट। नॉट जस्ट कॉपी, इस आर्टबोर्ड कॉपी करो और जो इनकी साइज है ना थोड़े से इंक्रीज करो, लाइक 60 करते हैं, 60। इस लॉक पर क्लिक करके आप प्रोपोर्शन में कर सकते हो, राइट क्लिक 60। ओके, नाउ लेट्स अलाइन। ओके, और इसको रोटेट कर दो यहाँ से ना, ऐसे इसको 180 पे रोटेट कर दो इसको, 180। ठीक है, नाउ अगेन गो टू प्रोटोटाइप, इसको सेलेक्ट करो, अप्लाई द सेम सेटिंग, टाइम डिले ऑटो एनिमेट ईजिंग, अगेन सेम सेटिंग। नाउ लेट्स प्ले सी। तो दिस इज जस्ट अ सिंपल एग्जांपल था, ये आप किस तरह से आप टाइम टाइम फ्रेम टाइम ट्रिगर का यूज़ करके और ऑटो एनिमेट का यूज़ करके आप एनिमेशन बना सकते हो। आपके पास ओपन है, आप जो चाहो क्रिएट कर सकते हो, आपको पता होना चाहिए बस कैसे करना है, बाकी आपकी क्रिएटिविटी, आप कितना अच्छा सोचते हो, क्या बनाने की कोशिश करते हो, लेट्स डिपेंड ऑन योर क्रिएटिविटी। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। Let's try to create a progress bar. Okay. इसी जो rectangle इसी copy कर लो आप और उसका color different कर दो और उसको थोड़ा सा छोटा कर दो ऐसे like this, okay? आर्टबोर्ड की कॉपी करो और ये जो आपका रेक्टेंगल था उसको बड़ा कर दो। देन अगेन गो टू प्रोटोटाइप, सेम टाइम 0 सेकेंड, ऑटो एनिमेट, सेम सेटिंग, सेम। लेट्स प्रीव्यू, दैट्स इट। सो आज का ये हमारा टॉपिक था, आज हमने टाइम टेकर के बारे में देखा थोड़ा सा, प्लस हमने लूप में कोई भी एनिमेशन कैसे प्ले करेंगे वो देखा हमने। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें और आप लोग मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।